गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ ICT फर्स्ट सेमिस्टर. सो द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हाउ वुड यू एनालाइज फ्लैंडर्स सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन एनालिसिस. सो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे फ्लैंडर्स सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन एनालिसिस क्या होता है ICT में. सो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि BEd फर्स्ट सेमिस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो फ्लैंडर्स सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन एनालिसिस क्या होता है. सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज FIACS. इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या क्या आ रहा है, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, क्लासरूम कम्युनिकेशन में हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि क्लासरूम के अंदर जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसको फ्लैंडर एनालिसिस किए थे, उसको कुछ वैल्यूज डाले थे, उसे बोला जाता है फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस. दिस इज़ द क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस हम लोग बोल सकते हैं. एंड इट वाज डेवलप्ड बाय नीड ए फ्लैंडर. तो यहाँ पे एजम्पशन क्या क्या है, जैसे आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं, मोस्टली द क्लासरूम इज प्रीडोमिनेंट विद वर्बल कम्युनिकेशन. जनरली यहाँ क्लासरूम में क्या होता है ना, वर्बल कम्युनिकेशन होता है जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में. तो क्लासरूम में जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड ईजिली रिकॉर्डेड. जैसे कि पॉइंट टू में लिखा है, द क्लासरूम वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट कैन बी ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डेड ईजिली एंड रिलायबली. बट देर आर सम नॉन वर्बल बिहेवियर जो कि वर्बल नहीं है. क्लासरूम में कुछ बिहेवियर ऐसा होता है जो कि नॉन वर्बल होता है और उसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या क्या नॉन वर्बल बिहेवियर होता है, उसको मेज़र करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है. इसलिए फ्लैंडर क्या किए, एक सिस्टम लाए जिसमें हम लोग नॉन वर्बल बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकेंगे. सो दैट इज़ नोन एज फ्लैंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस. सो आप लोग ये पॉइंट सारे लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट वील गो टू नेक्स्ट पॉइंट. सो यहाँ पे हम लोग को पहले कैटेगरी में क्या करना है, पहले हम लोग को यहाँ पे कैटेगरी करना है. सो देर आर बेसिकली 10 कैटेगरीज. तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कैटेगरी 1 to 4 क्या होता है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस. 5 to 7 डायरेक्ट इन्फ्लुएंस. कैटेगरी 8 टू स्टूडेंट टॉक रेस्पॉन्स टू टीचर. कैटेगरी 9 स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन बाय पीपल. तो हम लोग इसमें देखेंगे हमारा कैटेगरी 10 साइलेंस एंड कन्फ्यूजन. तो हम लोग को क्या करना है, इस टाइप का एक टेबल बनाना है जिसमें लिखना है, पहला है क्या, क्या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस. तो पहले हम लोग को क्या करना है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में जो कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कुछ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस का मतलब रहता है चीज़, जैसे कि एक्सेप्ट फीलिंग. जब भी टीचर कुछ बोलते हैं तो स्टूडेंट एक्सेप्ट कर रहा है, जब स्टूडेंट कुछ बोल रहा है तो टीचर एक्सेप्ट कर, दैट इज़ एक्सेप्ट फीलिंग, दैट इज़ गिवन पॉइंट कैटेगरी 1. देन कैटेगरी 2 क्या होता है, प्रेजेस एंड एनकरेज. जब भी टीचर स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उस हिसाब से जब स्टूडेंट आंसर देते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, बट स्टूडेंट टीचर उसको एनकरेज करते हैं, दैट इज़ कैटेगरी 2. देन एक्सेप्ट और यूजेस द आइडिया ऑफ स्टूडेंट. सपोज़ कोई भी स्टूडेंट कुछ आइडिया बोल रहे हैं, सपोज़ हम लोग कुछ भी एक समझा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चा खुद ही एक एग्जाम्पल दे पा रहा है कि यस, सब छोटे बच्चों को रेनी डे के बारे में समझा रहे, तो बच्चे बोल रहे हैं मैम वी आर यूजिंग अम्ब्रेला. तो दिस टाइप ऑफ, जब स्टूडेंट अपने आप कुछ आइडियाज़ देता है तो उसे हम लोग कैटेगरी 3 में डाल सकते हैं. देन हमारा इंडियन इन्फ्लुएंस का नेक्स्ट कैटेगरी आस्क क्वेश्चन. तो टीचर क्वेश्चन भी पूछते हैं, वो एक कैटेगरी दिया गया. देन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या होता है, जब टीचर जाके पढ़ाते हैं, दैट इज़ नोन एज लेक्चरिंग, गिविंग डायरेक्शन, क्रिटिसाइजिंग. देन स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स. तो लेक्चरिंग मीन्स टीचर पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, दैट इज़ नोन एज लेक्चरिंग. देन जब गिविंग डायरेक्शन, तो डायरेक्शन दे रहे हैं स्टूडेंट को कि कैसे क्या करना है, कैसे हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है. क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइजिंग तो कभी होना नहीं चाहिए आजकल के NEP के पॉलिसी के हिसाब से. देन नेक्स्ट आया हमारा रेस्पॉन्स. तो रेस्पॉन्स क्या होता है, स्टूडेंट जब रेस्पॉन्स देते हैं, आइदर स्टूडेंट टॉक रेस्पॉन्स, जो कि टॉक बाय स्टूडेंट इन रेस्पॉन्स टू टीचर, जब भी टीचर पूछ रहे हैं तब बच्चा रेस्पॉन्स दे रहा है. और एक है स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन, मीन्स स्टूडेंट अपने आप कुछ बताना चाहता है, इनिशिएट करना चाहता है, दैट इज स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन. देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा कैटेगरी 10, दैट इज़ योर साइलेंस एंड कन्फ्यूजन. तो कभी कभी क्या होता है ना, क्लासरूम में साइलेंस और कन्फ्यूजन का माहौल भी होता है, तो वो रहा हमारा कैटेगरी 10. ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग उसके बाद जाएंगे मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन में. तो मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम लोग को एक टेबल बनाना है. तो यहाँ पे हम लोग को कोई भी एक एग्जांपल लेना है जिसमें हम लोग कुछ कैटेगरीज़ का वैल्यू लेंगे. जैसे कि हम, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, हम लोग जब क्लासरूम में जाते हैं तो टीचर जब क्लासरूम में जाते हैं तो उस टाइम साइलेंस होता है,
तो हम लोग सपोज एग्जांपल ले लिए पहले 10, तो पहले 10 मीन्स नंबर 10 हमारा पहला है, देख लीजिए आप यहाँ पे 10। देन उसके बाद हम लोग नंबर ले रहे हैं 5, तो 5 मीन्स उसके बाद 5 का जो हमारा कैटेगरी था जैसे कि लेक्चरिंग, तो पहले साइलेंस रहता है उसके बाद पढ़ाते हैं। देन कैटेगरी 4 दैट इज़ आस्किंग क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं, जो जो सिक्वेंस में टीचर क्लासरूम में इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ उस हिसाब से हम लोग को सारा कैटेगरीज लिखना है। जैसे यहाँ पे 10 अच्छे से नहीं दिख रहा है, 10 5 4 3 10 6 2 इस टाइप का नंबर आपको एग्जाम्पल में लेना है। देन आपको क्या करना है, पेयरिंग करना है, जैसे पहला नंबर सेकंड नंबर 10 5, देन अगेन सेकंड नंबर थर्ड 5 4, जैसे यहाँ पे आप देख सक रहे हैं पेयरिंग हुआ है ब्रैकेट के अंदर 10 5, अगेन 5 4 4 3, ऐसे करके सारा नंबर को रिपीट करके पेयरिंग करना है। देन लास्ट स्टेप हमारा क्या है, टेबल हम लोग को बनाना है। इस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, टेबल में हम लोग को कैटेगरी लेना है, जैसे हम लोग देखे कैटेगरी 1 to 10, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कैटेगरी 1 to 10। देन हम लोग को क्या करना, ईच पेयरिंग, सपोज हमारा पेयर था पहला 10 and 5, तो 10th row and 5th column में जाना है और वहाँ पे क्या डालना है, 1 डालना है। देन 5th row and 4th column में जाना है, वहाँ पे भी 1 डाल। तो पहला नंबर आपको दिखाता है रो नंबर, सेकंड दिखाता है कलम नंबर, तो सारे में हम लोग को जितना भी पेयरिंग है उसमें सारा 1 1 डाल देंगे। फाइनली हम लोग को एडिशन करना है रो वाइज और कॉलम वाइज, दैट इज़ हम लोग रो वाइज जितना भी आएगा, सपोज यहाँ पे हम लोग ऐड किए तो 11 आया, कॉलम वाइज भी ऐड करेंगे तो 11 आया। दिस इज़ द फाइनल टेबल। तो अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आ रहा है फैक्स, सो दिस इज़ द डिटेल हाउ टू राइट द फैक्स, तो मैं आपको फिर से ये दिखा दे रही हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, हाउ डू यू एनालाइज फ्लैंडर्स सिस्टम इंटरेक्शन, पहले आपको लिखना है कि ये होता क्या है, बेसिक एजम्पशन इसका क्या है। देन हम लोग इसका कैटेगरीज देखेंगे 1 to 10, उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, जब यहाँ पे हम लोग को सारे को एक्सप्लेन कर रहे हैं डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, इनिशिएशन क्या है, फाइनली वी विल टेक एग्जाम्पल एंड वी विल रिप्रेजेंट इट इन ए टेबल। ओके, आई होप आप लोग को सारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लैंडर्स सिस्टम इंटरेक्शन एनालिसिस फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। सो बाय ऑल ऑफ यू।